पुलिसकर्मी समेत 12 पॉजिटिव मरीजों की मौत, संक्रमितों का कुल आंकड़ा 50,000 पार। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 12 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। कांगड़ा में 3 संक्रमितों की मौत हो गई है। टांडा मेडिकल कॉलेज में खनियारा के 40 वर्षीय संक्रमित और बैजनाथ तरेब के 75 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। वहीं धर्मशाला अस्पताल में सुंगल पालनपुर के 72 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। ऊना के 83 वर्षीय बुजुर्ग की टांडा में मौत हो गई। शिमला में 2 संक्रमित महिलाओं समेत 5 की मौत हो गई है। इसके अलावा नेरचौक मेडिकल कॉलेज में पुलिसकर्मी समेत 4 संक्रमितों की मौत हुई है। पुलिस लाइन मंडी में सेवारत बलह की कुम्मी पंचायत के घट्टा निवासी 47 वर्षीय पुलिस जवान, ज्वालामुखी के बडोली की 52 वर्षीय महिला, सुंदरनगर कांगू के 85 वर्षीय बुजुर्ग और रामनगर मंडी की 69 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस के 397 नए मामले आए हैं। मंडी 119, शिमला 95, कांगड़ा 63, सोलन 31, बिलासपुर 25, सिरमौर 23, कुल्लू 14, लाहौल स्पीति 19, ऊना 13, हमीरपुर 12, चंबा 13 और किन्नौर में एक नया मामला आया है। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 50,196 पहुंच गया है। 6,792 सक्रिय मामले हैं। 42,531 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। अब तक 824 पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। अगले वित्त वर्ष कृषि समेत पूरे प्राथमिक क्षेत्र को 27,724 करोड़ मिलेगा कर्ज, जयराम। किसान आंदोलन के बीच नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश को 27,724 करोड़ का कर्ज देने की पेशकश की है। किसान आंदोलन के बीच नाबार्ड ने यह संभावना व्यक्त की है। नाबार्ड अगले साल सरकार को 1,866 करोड़ रुपए बढ़ा हुआ कर्ज देगा। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उपज का समूहन विषय पर नाबार्ड स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2021-22 की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की जरूरतें पूरा करने के लिए कृषि नीति लाने पर विचार कर रही है। सीएम ने कहा है कि राज्य में प्राथमिक क्षेत्रों के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान नाबार्ड की ओर से 27,724.04 करोड़ रुपए की अनुमानित ऋण क्षमता है। यह गत वर्ष 25,857.26 करोड़ रुपए की क्षमता में 7.22% की बढ़ोतरी दर्शाता है। नाबार्ड को कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए काम करना चाहिए, जिससे ग्रामीण आर्थिकी सुदृढ़ हो। सीएम ने नाबार्ड स्टेट फोकस पेपर 2021-22 और वेरियस रिफाइनेंस स्कीम ऑफ नाबार्ड पर आधारित पुस्तिका भी जारी की। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि द स्टेट फोकस पेपर विकास के लिए धन आवंटन को प्राथमिकता देने के लिए सरकार और बैंकर्स की तरफ से ऋण और बुनियादी ढांचे की योजना तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा। राज्य को अब तक RIDF के तहत 8,679.28 करोड़ की संचयी मदद मंजूर हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बैंक सभी पात्र किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करें। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि नाबार्ड का पेपर राज्य के बैंकों के लिए SLBC अग्रणी बैंकों की ओर से वार्षिक ऋण योजना 2021-22 तैयार करने का आधार बनेगा। 200 निजी कॉलेजों ने नहीं भेजा प्रधानाचार्यों का रिकॉर्ड, नियामक आयोग भेजेगा नोटिस। हिमाचल प्रदेश में स्थित निजी कॉलेजों में प्रधानाचार्य पद पर हुई नियुक्तियों से संबंधित रिकॉर्ड तलब करने के बाद भी करीब 200 निजी कॉलेजों के प्रबंधन ने रिकॉर्ड नहीं भेजा है। तय समय सीमा में करीब 40 निजी कॉलेजों ने ही प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों से संबंधित रिकॉर्ड भेजा है। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने प्रदेश के निजी कॉलेजों के प्रबंधनों को प्रधानाचार्यों की नियुक्ति से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया है। नियामक आयोग ने रिकॉर्ड भेजने के लिए 15 दिसंबर की डेडलाइन तय की थी, लेकिन अभी तक करीब 40 निजी कॉलेजों के प्रबंधन ने प्रधानाचार्यों से संबंधित रिकॉर्ड आयोग के समक्ष भेजा है। ऐसे में अब आगामी दिनों में नियामक आयोग रिकॉर्ड न भेजने वाले निजी कॉलेजों के प्रबंधनों को नोटिस भेजेगा। इससे पहले रिमाइंडर भेजा जाएगा। रिमाइंडर के बाद भी अगर निजी कॉलेज आदेशों की अनुपालना नहीं करते हैं तो नोटिस भेजकर नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निजी कॉलेजों के प्रधानाचार्यों का रिकॉर्ड जांचने के लिए बनेगी कमेटी। निजी कॉलेजों के प्रधानाचार्यों का रिकॉर्ड जांचने के लिए हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग कमेटी गठित करेगा। यह कमेटी रिकॉर्ड की जांच कर अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगा। इसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह कमेटी अगले सप्ताह तक गठित कर दी जाएगी और जिन निजी कॉलेजों से रिकॉर्ड आया होगा उनकी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर अतुल कौशिक का कहना है कि हिमाचल में स्थित निजी कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति से संबंधित रिकॉर्ड 15 दिसंबर तक मांगा था, लेकिन अभी भी अधिकतर निजी कॉलेजों की ओर से रिकॉर्ड नहीं आया है। ऐसे कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को रिमाइंडर भेजा जाएगा और फिर भी अगर रिकॉर्ड नहीं भेजा गया तो नोटिस भेजा जाएगा और नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल समेत देश भर में बनी 14 दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल के फार्मा उद्योगों की आधा दर्जन समेत देश भर की 14 दवाइयां मानकों पर खरा नहीं उतरी। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रक संगठन के नवंबर के ड्रग अलर्ट के अनुसार इसके सैंपल फेल पाए गए हैं।
बद्दी की बनी एलर्जी, बुखार और मल्टी विटामिन के अलावा नालागढ़ की फॉर्मा कंपनी की बीपी रक्तचाप की दवा के सैंपल खराब निकले हैं। इसके अलावा बद्दी और कांगड़ा की कंपनियों के हैंड सैनिटाइजर के सैंपल भी मानकों पर सही नहीं होते। दवा नियंत्रक नवनीत मरवाह ने सभी दवा उत्पादकों को नोटिस जारी कर बाजार से स्टॉक वापस लेने को कहा है। सोलन जिले के बद्दी के बुर्द स्थित मैसर्ज मेडिकोल फार्मास्यूटिकल इंडिया कंपनी की फिनायरमाइन मलिएट टैबलेट TPNM003, बद्दी की मैसर्ज श्री रमेश इंडस्ट्री का प्योर हैंड सैनिटाइजर SRI 331, बद्दी के किशनपुरा की मैसर्ज एप्पल फॉर्मुलेशन कंपनी की बुखार की दवा पैरासिटामोल PWS1905, बद्दी की कंपनी मैसर्ज आयोन हेल्थ केयर की प्रेगाबालिन एंड मेथाइल कोबिलेमिन कैप्सूल C90,90,149 का सैंपल फेल हुआ है। नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र की आइसोसिस रेमेडीज कंपनी की टेलमिसार्टन टैबलेट और कांगड़ा के संसारपुर टेरेस की मैसेज सीमेक फॉर्मुलेशन इंडिया कंपनी के हैंड सैनिटाइजर का सैंपल भी फेल निकला है। कुल्लू जिले में पंचायत समिति सदस्य और अध्यक्ष समेत जिला परिषद पद का आरक्षण रोस्टर जारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पंचायत प्रधान पदों के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी एवं DC कुल्लू ने जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया है। जिला कुल्लू की 103 पंचायत समितियों के आरक्षण के साथ BDC अध्यक्ष पद के आरक्षण का रोस्टर जारी कर दिया है। HPU शिमला, BSc और MSc नर्सिंग की सीट आवंटन सूची जारी। HPU शिमला की प्रवेश परीक्षा शाखा ने BSc और MSc नर्सिंग कोर्स में प्रवेश को पहले दौर की काउंसलिंग पूरी कर आवंटन सूची जारी कर दी है। 2 सरकारी के साथ विवि से संबद्ध नर्सिंग संस्थानों की सीटों को आवंटित कर दिया गया है। 18 दिसंबर तक अभ्यर्थियों को आवंटन पत्र के मुताबिक संस्थान में ज्वाइनिंग देनी होगी। विवि के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने बताया कि सीट आवंटन की सूची और लेटर ऑनलाइन वेबसाइट पोर्टल पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि दूसरे दौर की इन कोर्स के लिए होने वाली काउंसलिंग के लिए 21 से 26 दिसंबर तक पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। 28 दिसंबर को दूसरी आवंटन सूची जारी कर 29 से 31 तक ज्वाइनिंग का समय दिया जाएगा। BSc नर्सिंग की भरी सिर्फ 750 सीटें। BSc नर्सिंग के कुल 880 आवेदनों में से 750 सीटें 39 कॉलेजों में आवंटित कर दी गई है। शेष पसंद का कॉलेज नहीं मिलने के कारण खाली रह गई है। MSc कोर्स के लिए आए कुल 150 आवेदन में 7 कॉलेजों में 105 सीटें ही आवंटित हुई है। HPU ने घोषित किया BMS चौथे वर्ष का परिणाम। विवि ने BMS चौथे वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा विंग ने छात्रों के भविष्य और परेशानी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा परिणाम घोषित कर बड़ी राहत दी है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने बताया कि परिणाम वेबसाइट पर उपलब्ध है। नाका तोड़ भागे कार सवार से 63 किलो अफीम का डोडा बरामद। हिमाचल की मंडी पुलिस ने सोमवार आधी रात को एक आरोपी को 63 किलो अफीम डोडे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी का दूसरा साथी रात के अंधेरे में पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना ऑट की टीम चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर खोतीनाला के पास नाके पर मौजूद थी। कुल्लू की तरफ से एक इनोवा कार तेज गति से आई और नाके को तोड़ती हुई रफू चक्कर गई। पुलिस टीम ने इस संदर्भ में सदर थाना पुलिस टीम को सूचना दी। सदर थाना पुलिस की टीम ने भयूली पुल के पास नाका लगा दिया। जैसे ही यह इनोवा कार भयूली पुल के पास पहुंची तो चालक ने पुलिस को देखकर गाड़ी मोड़ ली। इतने में और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ललित महंत अपनी पुलिस टीम के साथ कार का पीछा करते हुए मंडी की तरफ आए। आरोपी कार सहित दोनों पुलिस टीमों के बीच में फंस गया। इतने में कार चालक ने कार को चलता हुआ छोड़कर भागने की कोशिश की। एक को पुलिस ने मौके पर धर दबोचा लेकिन दूसरा मौके से फरार हो गया। आरोपी को गिरफ्त में लेने के बाद SP मंडी शालिनी अग्निहोत्री और DSP LR अनिल पटियाल भी मौके पर पहुंचे। कार की तलाशी ली तो उसमें से 5 बोरियां बरामद हुई। इनमें अफीम के डोडे थे। कार का नंबर DL4CAE3047 है और पकड़ा गया आरोपी कुलदीप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह निवासी जतरौली जिला लुधियाना का रहने वाला बताया जा रहा है। SP शालिनी अग्निहोत्री ने मामले की पुष्टि की है। कहा कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जाएं हस्तशिल्प हथकरघा उत्पाद विक्रम सिंह। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने अधिकारियों को प्रदेश के समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऑनलाइन माध्यमों से उपलब्ध करवाने की संभावनाओं पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वह ग्रामीण स्तर पर प्रदेश की समृद्ध हस्तशिल्प हथकरघा और पारंपरिक खिलौना कला से जुड़े कारीगरों के कल्स्टर तैयार कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के खिलौना उद्योग को भी प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। विक्रम सिंह यहां हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश के हथकरघा एवं हस्तशिल्प के संवर्धन में बेहतर काम करने वाले कारीगरों को सम्मानित करने के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना का प्रारूप तैयार करने के निर्देश भी दिए। राजनीतिक गुटों की लड़ाई बना किसान आंदोलन कश्यप।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन राजनीतिक गुटों की लड़ाई बनकर रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन के नाम पर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कोविड मैनेजमेंट को लेकर भी राहुल गांधी और विपक्षी दलों की तरफ से फैलाया जा रहा भ्रम भी टूट गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में प्रदेश भाजपा बड़ी जीत हासिल करेगी। सुरेश कश्यप यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को लेकर भी विपक्ष भ्रम फैला रहा था, लेकिन कोरोना काल में इनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 80 करोड़ गरीबों तक 8 महीनों तक लगातार अनाज पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण रोजगार के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को गाँव में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए। इतना ही नहीं, कोरोना काल में किसानों को भी हर संभव मदद उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून भी किसान हितों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इससे किसानों को बिचौलियों और फसल बेचने की बंदिशों से आजादी मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश का किसान नए कृषि कानूनों के महत्व को समझता है। विभिन्न राज्यों से आए किसान प्रतिनिधियों ने इन बिलों को अपना समर्थन देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि किसानों के नाम पर किए जा रहे आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि किसान अब कहने लगे हैं कि कृषि कानून पूरी तरह से किसानों के हित में है और इन्हें किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाना चाहिए। 25 को बूथ स्तर पर मनाया जाएगा सुशासन दिवस। सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा 25 दिसंबर को भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को बूथ स्तर पर सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी। इस दिन भाजपा बड़े स्तर पर सैनिटाइजर एवं मासिक वितरण के कार्यक्रम करेगी। प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, त्रिलोक कपूर एवं प्रदेश सचिव पायल वैद्य भी इस अवसर पर उपस्थित थी। HRTC जल्द खरीदेगा नई 4500 ईटिकटिंग मशीनें, सरकार को भेजा प्रस्ताव। HRTC जल्द ही परिचालकों की बेहतर सुविधा को लेकर आधुनिक तकनीक की 4500 नई ईटिकटिंग मशीनें खरीदेगा। ये मशीनें ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के तहत खरीदी जा रही हैं। निगम ने प्रोजेक्ट के तहत प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। प्रस्ताव को मंजूरी के बाद मशीनों की खरीद प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इन मशीनों की खरीद के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। ये मशीनें नई सूचना प्रौद्योगिकी व एंड्रॉइड सहित बहुत सी आधुनिक सेवाओं से लैस होंगी, जिससे यात्री के रूट, सफर, किलोमीटर सहित अन्य जानकारी सहित टिकट जारी होगा। मशीनों में डेबिट व क्रेडिट की सुविधाएं देने पर विचार। इसके अतिरिक्त इन मशीनों में डेबिट व क्रेडिट की सुविधाएं देने पर विचार किया जा रहा है। नई आधुनिक मशीनों की खरीदारी से जहां परिचालकों को नई सुविधाएं मिलेंगी, वहीं यात्रियों को भी सुविधाएं मिलेंगी। नई मशीनों के आने के बाद टिकट भी बदलेगा, जिसमें कई जानकारियां उपलब्ध होंगी। वहीं बस फेयर से संबंधित हर एक छोटी जानकारी होगी। निगम अधिकारियों के अनुसार प्रोजेक्ट के तहत प्रस्ताव सरकार को भेजा है। जल्द ही मंजूरी के बाद मशीनों की खरीद को टेंडर होंगे। पुरानी हो चुकी मशीनें बार बार करवाई जा रही थी। निगम बस परिचालकों की ई टिकटिंग मशीनें खराब हो गई हैं। निगम द्वारा सबसे पहले वर्ष 2007 में ई टिकटिंग मशीनें खरीदी गई थी। इसके बाद वर्ष 2014 में ई टिकटिंग मशीनें खरीदी गई थी। उस समय से लेकर अब तक इन्हीं मशीनों से परिचालक टिकट काट रहे हैं। ये मशीनें पुरानी तकनीक की है और बार बार अपडेट व ठीक करवानी पड़ती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।